नहीं, इतना है कि आपको हदीस भी आपको सुना दूं इब्न अब्बास की। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की कब्रों के पास से गुजरे। मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि कुबूरिल मदीना, मदीना के कब्रों के पास से गुजरे, ग़ालिबन जन्नतुल बकी है। तो फाकबरा अलैहि मिन वजह, और गौर से सुनिए, आपने उनकी तरफ अपना मुंह किया, अपना चेहरा उनकी तरफ किया, कब्रों की, कब्र वालों की तरफ। ये सब कब्रें हैं। और उसके बाद आपने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर, सलामती हो तुम पर ऐ कब्र वालों, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, अंतुम सलफुना वनहनु बिल असर, अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह हमें माफ करे, तुम आगे चले गए, हम तुम्हारे पीछे आने वाले। दर हकीकत ये जो सलाम है, ये सलामी दुआ है, ये सलामी दुआ है। इस अकीदे के साथ नहीं कहा जाता कि भाई वो मेरी आवाज सुन रहे, ये कब्र के पास जाकर ही आप कहेंगे तो जायज होगा। आप घर से अगर ये बात कहें अस्सलाम वालेकुम या अहले कब्र, तो जायज नहीं है। यानी वहां आप कब्र के पास जाकर उनके ऊपर सलामती की दुआ भेजिए। ये सलामी दुआ है, सलामी तहिया नहीं है कि उसका जवाब आ रहा है। इस अकीदे के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम कहता है, ये मतलब है उसका। अस्सलाम वालेकुम या अहले कब्र का मतलब हुआ, ए कब्र वालों तुम्हारे ऊपर सलामती हो, ये दुआ है।